कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसको बताने से पहले हमें बता देता हूँ कि क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप जो कंपनियां है, व्हाट्सएप और जितनी भी मैसेंजर कंपनियां है वो आपके डेटा को, आपके मैसेजेस को, आपके वीडियोस को, आपके फोटोज को अपने पास सेव करके रखती है, तो आप जो मैसेज को जो अपना हिंसक मैसेज है या फिर जो भी धर्म से रिलेटेड जो रिलीजन से रिलेटेड जितने भी मैसेज है उनको ध्यान से सेंड कीजिए। आप ऐसे फॉरवर्ड मत कीजिए किसी भी चीज़ को। बार बार में आपके पास मैसेज आते हैं कि आपको इसकी कसम है, इसकी वो है, इसकी ये है, आप आगे इसको शेयर कीजिए, तो इस तरह के मत कीजिए क्योंकि व्हाट्सएप आपके सारे डेटा को रखता है। और जिस दिन केस हुआ ना उस दिन पता भी नहीं चलेगा धारा 183 के तहत कब जेल में चले जाओगे। तो उसी के साथ साथ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप को है आपके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, आपके जितने मैसेज है, आपके जितने भी फोटोज है, आपके जितने भी वीडियोज है या फिर जो भी आप शेयर करते हो, क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, क्या क्या सर्च करते हो, क्या क्या रिसर्च करते हो, उन सभी बातों का नॉलेज जो है व्हाट्सएप अपने पास रखता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप आपके बारे में क्या क्या रखता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही पास में आएगा चिट्टू सा नन्ना सा प्यारा सा बेलन घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूले जिससे क्या होगा दोस्तों आप हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन एनर्जी सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आप कैसे जाने कि व्हाट्सएप आपके पास की इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखता है, क्या क्या मैसेज है उनके पास सेव है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है आपको, सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप ओपन कर लेनी है। व्हाट्सएप तो जानते हो ना, वही ओपन करना है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन कर लोगे व्हाट्सएप के ऊपर थ्री डॉट्स लिखे हुए, थ्री डॉट्स का मतलब है तीन बिंदिया, तीन डॉट्स होते हैं, वो थ्री डॉट्स पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको सेटिंग्स, सेटिंग्स पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक कर लोगे उसके बाद में जो है नीचे से दूसरा या तीसरा ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ ऑप्शन आता है, उस पर आपको सिंपली रिक्वेस्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन इस तरह से ऑप्शन आता है, आपको साइड में स्क्रीन दिख रही है, तो आपको उस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक मिनट आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद में क्या होगा कि आपको सामने मतलब एक मैसेज आएगा, ऊपर लिखा हुआ रिक्वेस्ट रिपोर्ट। रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर आपको नंबर वगैरह जो डिटेल्स मांगेगा वो आपको वहां पर डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद में जो है रिक्वेस्ट रिपोर्ट के लिए क्लिक कर देनी है और वो वहां पर लिखा हुआ साफ आएगा कि आपको एक जिप फाइल के अंदर रिपोर्ट मिलेगी और उसमें बताया जाएगा कि आपकी व्हाट्सएप के पास आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मिलने तक आपको 3 दिन का इंतजार करना होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो फाइल है, आपकी जो फाइल है अपने मैसेजों की जितने भी जो है जिप फाइल है वो तैयार करने में कम से कम 3 दिन का टाइम व्हाट्सएप को लगता है। तो लगभग 3 दिन का टाइम आपको लगेगा और आप जो है सिंपली अपनी रिपोर्ट पा सकते हैं, अपने सारे मैसेजेस देख सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सावधान रहिएगा और जो है बच के रहेगा इस तरह के इश्यूज से। तो आप वहां से अपनी रिपोर्ट देखिए कि क्या क्या पता है और व्हाट्सएप को क्या क्या नहीं है, उस पर भी एक्शन लेने का ट्राई कीजिए कि किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, दीजिए जानकारी कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्यारी प्यारी दिल की बातें भी नीचे कमेंट करना जरूर कमेंट जरूर कीजिए। उसी के साथ साथ दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके। तो चलिए दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।